हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज का मैच होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, देखते हैं लेट्स सी क्या होने वाला है। बहुत ही मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक साइड क्रिस गेल होगा, निकलस पूरन होगा। निकलस पूरन के लिए फर्स्ट लेग बहुत ही खराब गया है, तो ये वाला लेग कैसे जाता है देखते हैं। एंड दूसरा साइड पे भी संजू सैमसन रहेगा, लेकिन नो जॉस बटलर, नो बेन स्टोक्स, दोनों कैप्टन आ चुका है राहुल एंड सैमसन। एंड यहाँ पर राजस्थान ने कहा है टिल, लेट्स सी क्या गिरता है। टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पर हेड्स गिरा, पंजाब टॉस जीत चुका है। तो हमारा प्यारा राहुल भैया टॉस जीतने के बाद यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया। पहला बॉल मोहम्मद शमी की तरफ से, हल्का हाथ से खेला है मनन बोहरा। एंड पहली बॉल पे सिंगल मिलता हुआ भोरा को। दूसरा बॉल डेसिबल स्ट्राइक पर फ्लिक कर दिया यहाँ पर मोहम्मद शमी की, पैर पे बॉल था। एंड यहाँ पर चार रन मिलता हुआ जयसीवाल को। पांचवी बॉल पुल शॉट, जयसीवाल कुछ अलग ही मूड पे आया है, मुझे लग रहा है बहुत मिल रहा है। दूसरा बॉल है शमी भाई की तरफ से, मनन भोरा अच्छा खासा बैटिंग करता है, सबको पता है। एंड यहाँ पर प्यारा शॉट लगाया। चौथी बॉल शोफर का एज लगा था जयसीवाल का, 18 पे पहुंचता हुआ इसी के साथ। लास्ट बॉल इस ओवर का बड़ा शॉट, कवर के ऊपर से उठा के मारा, वन माउस, चार रन जयसीवाल के खाते में। चौथी बॉल इस ओवर का पुल लगाया मनन भोरा थोड़ा सा आराम से खेलो भाई, स्टार्टिंग बहुत ही प्यारा मिला राजस्थान को। लास्ट बॉल है ओ बेटे, ओहो हो 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 हो, क्या शॉट लगाया ब्रो, दिस इज वन बाउंस चौका। पांचवी बॉल फ्लिक कर दिया, अंदर आता हुआ बॉल था, फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही प्यारा फ्लिक। एंड चार रन राजस्थान को, स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया मिला है। एंड यहाँ पर भी इस वाली ओवर का लास्ट बॉल था, चौका मिलेगा 50 कंप्लीट करता हुआ यहाँ पर। पहला बॉल पे स्वागत किया मनन भोरा ने, चौका मार के किया। चौथी बॉल मनन भोरा स्ट्राइक पर, अगेन गुड शॉट विद द स्पिन शॉट खेल रहा है जो बहुत ही अच्छा है। एंड चार रन। तीसरा बॉल यहाँ पर हरप्रीत बार की तरफ से, हरप्रीत ब्रार, ओके चार रन ब्राड को मिलता हुआ, नहीं ब्राड के खिलाफ मार दिया चार रन। लास्ट बॉल मनन भोरा 28 पे बैटिंग कर रहा है, गुड शॉट गुड अपर कट, चार रन 32 पे पहुंचता हुआ मनन भोरा। पहला बॉल एंड यहाँ पर बोल्ड, हरप्रीत बार ने यहाँ पर कर दिया है बोल्ड, टॉप स्पिन बॉल था, पढ़ने के बाद सीधे रह गया एंड तेजी से अंदर आया, समझ नहीं पाया मनन भोरा। एंड मिडिल स्टंप उड़ गया मनन भोरा का, पहला झटका लगता हुआ राजस्थान को। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हरमनप्रीत या हरप्रीत जो भी है, ब्राड की तरफ से, एच ब्राड की तरफ से। चौथी बॉल शमशान अच्छा खासा बैटिंग तो कर लेता है, अच्छा खासा मतलब बहुत ज्यादा मारता है जब सेट हो जाता है। तीसरा बॉल इस ओवर का एंड गुड शॉट यार, गुड शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, 14 रन पे पहुंचता हुआ इसी के साथ संजू सैमसन। तीसरा बॉल इस ओवर का पुल लगाया यहाँ पर, बहुत ही प्यारा पुल यहाँ पर जयसीवाल की तरफ से देखने को मिला है। एंड 4 रन भी मिलेगा जयसीवाल को यहाँ पर। तीसरा बॉल इस ओवर का बड़ा शॉट संजू सैमसन के बैट से देखने को मिला, थोड़ा सा स्लो संजू सैमसन जरूर खेल रहा है। 15 बॉल पे 16, अभी 16 बॉल पे 20 हुआ है सेट। जयसीवाल 42 बॉल पे 49, इतना स्लो क्यों ब्रो, यहाँ पर 50 रन कंप्लीट करेगा, बहुत ही प्यारा शॉट। इसी के साथ 18 शतक कंप्लीट करता हुआ ये यशस्वी जयसीवाल, 53 बॉल पे 43 रन, सॉरी 43 बॉल पे 53 रन। लास्ट बॉल इस ओवर का गुड शॉट उठा के मारा एंड यहाँ पर पीछे कोई बंदा तो नहीं है, तो 4 रन तो डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा बॉल है इस ओवर का दीपक हुड्डा की तरफ से, बॉल घूम तो रहा है बट ठीक ठाक जगह पे बॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पर बहुत ही स्लो रन बना रहा है राजस्थान। 127 पे 117 ओवर के बाद भाई इतना स्लो भाई खेलोगे तो कैसे 200 बनाओगे ब्रो तुम। एंड यहाँ पर 2 रन की कोशिश, रन आउट का अपील हुआ है, लेट्स सी अंपायर, यहाँ पर थर्ड अंपायर को बुलाया क्या है, बोला देखो भाई थर्ड अंपायर साहब मुझे तो लग रहा है क्लियर आउट है। ओके लेट्स सी थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या रहता है। मेरा डिसीजन भाई आउट है, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई आउट, दिस इज आउट। अभी थर्ड अंपायर क्या बोलता है, लेट्स सी थर्ड अंपायर भी यहाँ पर आउट ही कह दिया है। एंड यशस्वी जयसीवाल 57 बॉल पे 67 बना के आउट हुआ है। लास्ट बॉल संजू सैमसन स्ट्राइक पर, गुड शॉट अपर कट, बहुत ही प्यारा अपर कट लगाया, 4 रन सैमसन के खाते में। लिविंगस्टन स्ट्राइक पर, गुड शॉट शमी भाई के खिलाफ मार दिया। लास्ट बॉल पे इस ओवर का वन बाउंस, 4 रन लिविंगस्टन को मिलता हुआ। चौथी बॉल इस ओवर का अंदर आता हुआ बॉल था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, वो है लाइम लिविंगस्टन, ओ थोड़ा सा दूर गिरता तो छक्का मिलता ब्रो। लास्ट बॉल है 145, 150 तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। ओके अंदर आता हुआ बॉल था, शॉट खेला एंड 2 रन यहाँ पर मिलता हुआ, 147 रन बनाया राजस्थान यहाँ पर।
एंड इसी के साथ इनिंग समाप्त होता हुआ। ये शशि जायसवाल अगर थोड़ा सा फास्ट खेलता तो रन आई थिंक ज्यादा बनता, क्योंकि इनके पास तो विकेट था राजस्थान के। राजस्थान ने यहाँ पर 20 ओवर में 147 रन बनाया, 148 का टारगेट है। यशस्वी जायसवाल बहुत ही स्लो खेला, अगर थोड़ा सा सिर्फ जायसवाल नहीं सभी बैट्समैन इनका स्लो खेला, थोड़ा सा फास्ट खेलता तो रन थोड़ा सा ज्यादा बनता जरूर। अभी बैटिंग करने आ रहा है KL राहुल एंड मयंक अग्रवाल, लेट्स सी, दोनों बहुत खतरनाक बैट्समैन है। ओ भाई द लेजेंड जयदेव मुनादकट यहां पर स्टार्टिंग करेगा। पहला बॉल राहुल स्ट्राइक पर टकपुट पांच डॉट बॉल, दूसरा बॉल राहुल यहां पर उठा के मारा है एंड भाई खाता खुला छक्के के साथ उत्तरी, दूसरा बॉल पर छक्का फेल दिया है मुनादकट के खिलाफ। चौथी बॉल है इस ओवर का, अंदर आता हुआ बॉल बैक फुट पांच, बहुत ही प्यारा शॉट, चार रन। पहला बॉल चेतन सकरिया की तरफ से, पहला लेग पे बहुत बढ़िया बॉल किया था बट सेकेंड लेग आते आते सब बदल गया, जो पहला अच्छा खेल रहा था वो बुरा खेलने लग गया, जो बुरा खेल रहा था वो अच्छा खेलने लग गया। दूसरा बॉल यहाँ पर उनादकट की तरफ से बड़ा शॉट लगाया KL राहुल, उनादकट के ऊपर टूट पड़ा है KL राहुल, क्या छक्का मिलेगा, वो बेटे 2 इंच 3 इंच रहेगा, नहीं तो ये भी छक्का मिलता पक्का। तीसरा बॉल पहला बॉल पे छक्का मारने की कोशिश का हुआ नहीं, इस बार भी सीधे एकदम तीर की तरह सीधे खेला, इस बार तो पूरा चौके के लिए ही खेला था, चौका भी मिलता हुआ यहाँ पर, बहुत ही पेल रहा है उनादकट के खिलाफ यहाँ पर, क्या पिल्लम पिल्लाई कर रहा है यहाँ पर राहुल। दूसरा बॉल इस ओवर का पुल शॉट यहाँ पर राहुल ने मार दिया है, बहुत ही प्यारा पुल शॉट एंड 4 रन मिलता हुआ, ब्यूटीफुल चौका। तीसरा बॉल इस ओवर का एच लगा, अरे यार निकल गया भाई, निकल गया 4 रन। दूसरा बॉल इस ओवर का एंड यहाँ पर कैच करने का मौका है, यस भाई दल लेजेंड जयदेव मुनादकट को यहाँ पर मिल चुका है विकेट एंड पंजाब को पहला झटका लगता हुआ मयंक अग्रवाल के रूप में, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया था बैट पे लगा, उसके बाद बैट पे लगा एंड उसके बाद द लेजेंड जयदेव मुनादकट ने कोई भी गलती नहीं किया, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, पहला झटका लगता हुआ मयंक के रूप में 12 रन पे मयंक हो चुका है आउट। तीसरा बॉल इस ओवर का बढ़िया शॉट यहाँ पर KL राहुल, तो भाई अभी भी खेल रहा है, उसके साथ गेल भी आ चुका है अभी, राहुल 38 पे बैटिंग कर रहा है एंड गुड स्क्वायर कट। ओके पावर प्ले का भरपूर फायदा, कोई इनसे सीखो भाई कैसे उठाता है, गुड शॉट ब्यूटीफुल लवली शॉट। पहला बॉल पे चौका, दूसरा बॉल बैक टू पांच, राहुल के पास ताकत भी है नजाकत भी है क्लास भी है, कमाल लाजवाब राहुल। पहला बॉल गेल स्ट्राइक पार, गेल को कर रहे हो फुल डोज, भाई तुम में तो बहुत हिम्मत है ब्रो एंड चौका मार दिया गेल। लास्ट बॉल इस ओवर का, ओके दिस इज क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस, मारेगा थोड़ा सा बुरा मत मानना। राहुल 49 पे बैटिंग कर रहा है, बहुत ही आराम से यहाँ पर हल्का हाथ से खेल दिया, क्योंकि राहुल के पास सब कुछ है, क्लास है पावर है नजाकत है, भाई ही इज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर एंड यहाँ पर बेहतरीन सा 50 कंप्लीट करता हुआ सिर्फ 29 बॉल पे। दूसरा बॉल इस ओवर का बड़ा शॉट लगाया तो है यहाँ पर एंड यस डेफिनेटली यहाँ पर चौका भी मिलेगा क्योंकि फील्डर नहीं था वहां पर। चौथी बॉल क्रिस गेल स्ट्राइक पर क्लिक कर दिया क्रिस गेल ने, पैर पे बॉल कर रहे हो वो भी क्रिस गेल का, यार मत करो ना। 59 रन चाहिए 67 बॉल पे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, राहुल नीचे बंदा है कैच करने का मौका, यस डेफिनेटली कैच करेगा। इसी के साथ पंजाब का दूसरा झटका लगता हुआ राहुल के रूप में, श्रेयस गोपाल का ऑफ स्पिन बॉल था, राहुल छक्का मारने की कोशिश किया था बट इस बार कनेक्ट उतना सही नहीं हुआ, सीधा ढूंढ बैठा यहाँ पर लॉन के फील्डर को एंड राहुल यहाँ पर आउट हो चुका। निकलस पुरान क्या करेगा भाई, भाई भाई निकलस पुरान का फर्स्ट लेग बहुत ही खराब गया था भाई, बहुत ही खराब गया था, कतई खराब गया था बट यहाँ पर तो आते पाए चौका मार दिया। दूसरा बॉल इस ओवर का क्रिस गेल का बेहतरीन अपर कट, होल्ड किया क्रिस गेल, ऐसे नजाकत के साथ अगर खेलेगा तो भाई ओपोनेंट का तो बुरा हाल हो जाएगा यार। चौथी बॉल इस ओवर का लेट्स सी गुड शॉट क्रिस गेल, गुड शॉट, इतना रूम मत दो क्रिस गेल, विकेट विकेट बॉलिंग करो तब कुछ हो सकता है भाई तुम्हें। 42 रन चाहिए 55 बॉल पे जो बहुत इजीली हो जाएगा, बड़ा शॉट लगाया क्रिस गेल, नीचे बंदा है विकेट मिल सकता है, यस भाई क्रिस गेल का कैच गवा रहा है भाई, गजब भेज दिया भाई। 31 रन अभी भी चाहिए, बड़ा शॉट लगाया चेतन सकरिया के खिलाफ, नीचे बंदा है एंड बंदा कैच भी करेगा। इसी के साथ निकलस पुरन जो अच्छा बैटिंग कर रहा था वो यहां पर आउट हो चुका है, चेतन सकरिया ने ले चुका है निकलस पुरन का विकेट, पुरन ने यहां पर 15 रन बना के आउट हो चुका है, सिर्फ 9 बॉल ही खेला है। शिवम दुबे आया है, दुबे भाई साहब आया भी है गया भी है, दीपक हुड्डा ने मार दिया है दुबे को यहां पर चौका। 24 रन चाहिए जीतने के लिए, क्रिस गेल स्ट्राइक पर इनसाइड एज एंड यहाँ पर 4 रन, लेट्स सी 2 बॉल बाकी है इस ओवर में, बैक फुट 5 तो किया है दीपक हुड्डा ने एंड पीछे बंदा है 1 रन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। 2 के लिए कोशिश, गेल डेंजरस एंड पे था
यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास अपील गया है, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आउट है, क्रिस गेल को यहाँ पर जाना पड़ेगा। क्रिस गेल वैसे भी नहीं भाप सकता है, तो तुम इस वाली बॉल पे 2 रन क्यों ले रहे थे बताओ क्रिस गेल, तुम्हें क्या 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 सोचा था तुमने? क्रिस गेल यहाँ पर 27 बॉल पे 37 बना के आउट हो चुका है। फ्री हिट वाला बॉल है, तो फ्री हिट वाला बॉल कोई डिफेंस थोड़ी करेगा, वो तो उठाएगा ना, एंड यहाँ पर 4 रन में मार दिया। दूसरा बॉल इस ओवर का शाहरुख खान SRK मार दिया यहाँ पर चौका। 9 रन चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर पे मैच फिनिश करने की कोशिश पूरी दम पे कर रहा है शाहरुख खान, वो तो देखकर लग ही गया क्योंकि 2 बॉल पे 2 चौका मार दिया ऑलरेडी। 5 रन चाहिए इस ओवर में ऑलरेडी। ओहो, मैच को खत्म करने की कोशिश किया था शाहरुख खान, बट यहाँ पर चेतन सकरिया ऑन फायर, गुड बॉलिंग एंड गुड विकेट। बट इस टाइम पे विकेट लेने का फायदा क्या, ऑलरेडी रन तो बन चुका है। अगर ऐसे विकेट पहले लेते थोड़ा सा प्रेशर बन सकता था पंजाब के ऊपर, बट तुम लोगों ने बना ही नहीं पाया पंजाब के ऊपर प्रेशर। बैड लक यार, शाहरुख खान यहाँ पर 8 पे आउट हो चुका है। और इस लेवल हरमनप्रीत बार जो भी है, इन्होंने भाई चौका ही मार दिया, चौका मार के मैच को फिनिश किया। इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रार ठीक है हरप्रीत बार या हरमनप्रीत बार, एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना यार। पंजाब इस वाली मैच को 5 विकेट से जीत चुका है, एंड वैसे राजस्थान ने विकेट भी लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है KL राहुल, वो तो होना ही चाहिए भाई। 59 रन 35 बॉल पे ओपनिंग स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन दिया था KL राहुल ने। बीच में क्रिस गेल आके भी थोड़ा सा पेलम पेलाई किया, निकलस पुरान थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का ओपनर्स अच्छा खेला था, बट बहुत स्लो खेला, और कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं। यहाँ पर पंजाब जीत चुका है 5 विकेट के साथ इस वाली मैच को। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कल आने वाला है और एक IPL का मैच, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल वाला बटन दबा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसे लगा, एंड तो फिर मिलता हूँ कल IPL के मैच के साथ। तब तक के लिए यार, हाँ डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक है, प्लीज़ यार फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं सबके साथ बात करता हूँ, ठीक है? तो चलो मिलता हूँ कल और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।